आज मेरी माँ तेनु मेरे लिए मंगन जा रही है। नौमी, मैं भी तेरे नाल बड़ी जरूरी गल करनी है। मैं रात भी तेनु दसन की कोशिश की थी, पर तू सुनने लिए तैयार ही नहीं से। दस ना, एडी केड़ी जरूरी गल है जेड़ी तेरे मेरे रिश्ते तो ज्यादा अहम है। ऐदा ताल्लुक भी ऐसे गल नाल है। कम टू द पॉइंट। नौमी, मेरी मंगनी बचपन ही तय हो चुकी है। पूरे होंगे ना? हाँ, साड़ी महत्ता जो सच्चियां ने। नौमी सलमा, एक गल याद रखी, मेरिया रगां दे विच खून दी जगह तेरा प्यार दौड़ रहा। तैनू मेरे को वक्त कौन कर सकता है? ऐ बचपन दी मंगनी तेरे मेरे रस्ते दी दीवार नहीं बन सकती। तू मेरी है, सिर्फ मेरी। बेटा, तेरी आंटी आए ने। सलाम आंटी। वालेकुम सलाम बेटी, जिंदी रहो। जी शुक्रिया। जा अपनी मां नु बुला, ओनू दस के कौन आए ने। जी अब्बा जी। मोहब्बता सचियाँ, उसके बाद आप उर्दू फिल्म आप लेके आए, खेत फिल्म आपने दी, फिर आपने पंजाबी फिल्म प्लान की। देखिए, पंजाबी में सैयद नूर साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। सैयद नूर साहब ने मजाजन बड़ी आला फिल्म बनाई, मेरी फेवरेट फिल्म है। चूड़ियाँ बहुत अच्छी बनाई, मेहंदी वाले हाथ बहुत अच्छी बनाई। ये एक नया सिनेमा जो है ना पंजाबी का, नूर साहब डेवलप हो चुके थे। मैंने उसे यूथ में लेके आया। मैं कह पंजाबी फिल्म जो है ना यूथ के ऊपर बनाई जाए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के ऊपर बनाई जाए, और अपना जो है ना वो एक अलग सी स्क्रीन हो और ज़ुबान आसान हो, जो हर जगह जो है ना समझी जाए, जानी जाए। तो वो एक पहली पंजाबी मॉडर्न फिल्म जो है ना, उसे आप इस पूरे खत्ते की जी उसे कह सकते हैं। मैं आज देखता हूँ ना इंडियन की फिल्में, तो मुझे लगता है यार ये मोहब्बता सच्चियाँ नहीं, उस दौर में तो इंडियन पंजाबी सिनेमा बहुत पीछे था। हम तो देखते थे कि वहाँ पे फैमिली 420 जैसी फिल्में बना करती थी, मतलब उन्हें सी और बी ग्रेड फिल्में ही हम मानते थे, लेकिन आपकी फिल्में, बल्कि आपकी फिल्म वहाँ चली भी। जी मेरी 5 या 6 फिल्में इंडिया में चली हैं जी। 2 शोए मंसूर साहब की खुदा के लिए, और बोल मेरी सुलाखें और मोहब्बता सच्चियाँ, और महरीन जवार की एक फिल्म चली है, रामचंद पाकिस्तानी, और एक बिन रोई चली है। आपकी फिल्म तो गालिबान ये अमृतसर और चंडीगढ़ वगैरह में भी बाकायदा ऑफिशियल रिलीज हुई थी। वो सलाखें जो है ना पूरे उसमें रिलीज हुई, पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया में रिलीज हुई थी। वो मैं कह रहा था कि आपकी इस फिल्म के बाद, मोहब्बता सच्चियाँ के बाद, वहाँ के फिल्म मेकर भी उससे इंस्पायर हुए और उनका सिनेमा इंटायरली चेंज हो गया, जो कि आज हम उसके जो रिव्यूज़ वहाँ पर लिखे गए थे सलाखें के, अपना मोहब्बता सच्चियाँ के, वो बड़े कमाल थे। अपना टाइम ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान में जो है ना वो बड़ा अच्छा लिखा। इसमें फिर आप एक नए एक्टर पे आपने तजर्बा किया, रिस्क लिया, अदनान खान। वो मेरा स्कूल है ना जी, मेरे उस्ताद ने कभी सुपरस्टार्स पे बिलीव नहीं किया, मुमताज़ अली खान साहब ने। तो मुझे आज भी जो है ना, मैं इस बात में खुश हूँ कि मुझे नए एक्टर मिले,
तो मैं उन पे जो है उन्हें लेके फिल्म बनाऊँ। उसके साथ आपने वीना मलिक जैसी एक्ट्रेस की क्लास चेंज कर दी, वो उर्दू फिल्मों में इंट्रोड्यूस हुई लेकिन आपने उसको एक नई राह दिखा दी। वीना मलिक जैसी एक्ट्रेस के बारे में आप क्या कहते हैं कि वो अचानक से गायब क्यों हो गए इंडस्ट्री से, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके साथ? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और वो बड़ी ही उम्दा आर्टिस्ट है। तो बाकी शादी उसने कर ली, शादी करके बीच में गायब आ गया, तो वक्त गुजर गया, अपनों के नीचे से पानी काफ़ी गुजर गया। लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि वीना मलिक जो है वो बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है, और उसके साथ मुझे काम करके बहुत मज़ा आया। वो पैशन था उसके अंदर, वो एक मेरा सीन है वो फाइट हो रही है हीरो और हीरोइन की, हीरो और विलन की, तो ये बीच में मैंने गुथम गुथा करवा दिया। मैं कहा लड़की क्यों ऐसे जो है ना सिर्फ इंसर्शन दे, वो बीच में क्यों नहीं घुस रही, वो क्यों नहीं छुड़वा रही, क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रही हीरो को, अगर वो उससे प्यार करती है तो। तो वो एक ब्रिज के ऊपर उसकी मैंने रोलिंग ली, आप यकीन करें उसके जिस्म से ऐसे हमने जो है ना वो लकड़ियाँ निकाली हैं, उसका जिस्म छिल गया था। तो बड़े जुनून से, बड़े पैशन से। या आपने मुझे पहले भी शहजाद भी बताया था इसकी डेडिकेशन वीना मलिक की, जिन दिनों ये शूट आपकी चल रही थी, मेरा सवाल यही था कि इतनी अच्छी आर्टिस्ट, आपको क्या लगता है उसने कंट्रोवर्सी क्वीन बनने के चक्कर में अपना कैरियर ख़राब कर लिया, क्या अच्छी है? देखिए इंसान से कुछ फैसले गलत हो जाते हैं, तो वो कंट्रोवर्सीज नहीं बननी चाहिए थी, उस कंट्रोवर्सीज ने एक आर्टिस्ट जो है ना वो छीन ली हमसे। बिल्कुल, जबकि वो बड़ी आला पाई की आर्टिस्ट थी, बड़ी समझ के, बड़ी डेप्थ में जाके वो एक्टिंग करती थी। तरीका तंग करंदा? तंग करंदा नहीं, विश करंदा। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
बाद आपने प्लान की इश्क खुदा और आपकी बल्कि आखिरी दोनों फिल्में इश्क खुदा और सल्यूट का तजर्बा अच्छा नहीं रहा बॉक्स ऑफिस के हवाले से, लेकिन फिल्में अगर फिल्म मेकर के तौर पे आप रेट करें तो आप अपने काम को कैसे देखते हैं दोनों फिल्मों में? मैंने मुझसे अल्लाह ताला ने जितना भी काम करवाया मुझे सल्यूट बहुत अच्छी लगती है, मुझे इश्क खुदा बहुत अच्छी लगती है, मुझे रुखसती बहुत अच्छी लगती है। इश्क खुदा शायद कारोबारी तौर पे भी बहुत अच्छी जाती है, वो हमारे साथ ज्यादती हुई, पूरी ट्रेड का फैसला था कि इंडियन फिल्म कोई नहीं ईद पर रिलीज़ होगी, तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने अचानक जो है ना वो हमारे सर पे हथौड़ा मारा। इश्क खुदा के भी वही डिस्ट्रीब्यूटर थे और सल्यूट के भी वही, चेन्नई एक्सप्रेस के भी वही डिस्ट्रीब्यूटर थे, तो वो चेन्नई एक्सप्रेस हमारे सर पे जो है ना उन्होंने नाके मार दी। तो आप प्रैक्टिकल इस फील्ड को जानते हैं, समझते हैं, खुद डिस्ट्रीब्यूटर हैं कि जहाँ शाहरुख खान होगा वहाँ सनमा वाला दूसरी फिल्म के साथ क्या हाशर करेगा, बिल्कुल जगह ही नहीं देगा। ठीक है, तो मैं उसके फेलियर को वो एक अवाम की रिजेक्शन नहीं मानता। मेरा सवाल यही था कि आपकी फिल्म उसे अवाम ने रिजेक्ट नहीं किया, उसे जो है ना वो चेन्नई एक्सप्रेस ने मारा। शहजाद भाई कितना दुख होता है कि आपने एक एक फ्रेम उसका सजाया हुआ था, एक गाना मुझे याद है जब आपका आपने वहाँ किया था गालिबन बालाकोट, वहाँ पे स्नोफॉल चल रही है और आपका ग्लेशियर बल्कि फिल्म शूट के दौरान ही आपका हुआ, इतनी मेहनत करने के बाद जब आप बॉक्स ऑफिस पे आए और वो फिल्म धड़ाम से गिर जाए, बस ये क्या कैफियत होती है उस वक्त? एक कैफियत जो है एक मेकर की हो सकती है वो अपना जो है ना, लेकिन कुछ नाकामियाँ होती हैं जो रुखसती की नाकामी मुझे चुभती नहीं है, ठीक है, इसकी नाकामी मुझे चुभती है क्योंकि मेरे साथ ज्यादती हुई थी। बिल्कुल, चेन्नई एक्सप्रेस मेरे सर पे जो है ना ला के बैठा दी गई, सिनेमा वालों के रवैये चेंज हो गए, अपना कन्वेंशनल सिनेमा मर रहा था, मल्टीप्लेक्स जो है ना वो आ गए थे तो वहाँ स्पेस ही नहीं मिल रही थी फिल्म को। रुखसती की नाकामी को तो मैं समझता हूँ कि वो ऑडियंस की तरफ से थी ना, वो ऑडियंस का फैसला था जी। इश्क खुदा तो ऑडियंस तक पहुँची ही नहीं, आपकी सल्यूट भी नहीं पहुँची ऑडियंस तक, तो इसको तो हम ऑडियंस की उससे नहीं जोड़ सकते। सल्यूट देखें उसके साथ जो हुआ है उसको बस उसके साथ ज्यादती हुई है, जिस शौक से, जिस प्यार से, जिस लगन से मैंने फिल्म बनाई थी को, तो वो शायद हमारे अंदर वो जज्बा नहीं है। मैं जब मुझे ये फिल्म बनाने का ख्याल आया तो सानिया पेशावर जो है ना वो हुआ था स्कूल में जो बच्चों के साथ, तो मैं दो दिन टीवी के आगे से नहीं उठा, वहीं से मुझे ख्याल आया कि यार ये इत्तेदाज हसन ने क्या कमाल दिखाया था। ये सानिया कोहाट हुआ था ना जिस पे आपने की थी, तो कोहाट नहीं, ये हंगू में हुआ था, हंगू में। तो एक बच्चे ने अपना पूरा स्कूल बचा लिया कुर्बानी दे के और वो बच्चा आगे ही नहीं आ पाया। बिल्कुल, मैंने वहाँ से ठान ली कि मैंने इस पर फिल्म बनानी है। चलो तो ये बच्चा कौन था जिसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी? मुझे तो आप बता चुके हैं लेकिन ऑडियंस के लिए बच्चा दोबारा बताएं। मेरे दोस्त हैं कैप्टन अताज साहब, रिटायर हो गए हैं 22वें ग्रेड में अभी, तो उन दिनों वो अलहमरा के वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, तो उनसे मेरी बड़ी दोस्ती थी, उनके कुछ जानने वाले थे लोग, उनका बच्चा था ये मिलने के लिए आया, मैं ऑडिशन कर रहा था उन दिनों बच्चों के, तो उस बच्चे की माँ ने कहा जी आप मेरे बेटे का भी ऑडिशन कर लें, तो मैंने उसका ऑडिशन किया, बच्चा तो बड़ा तेज़ निकला जनाब, तो इस तरह उस एजाज के कैरेक्टर पूरा फिट उसमें जो है ना वो बैठा था। देखिए सल्यूट भी आप देखें तो उसके अंदर हम मुबालगे और मुगालते इसमें फंसी हुई कौम है, ठीक है, फिर हमें जिस तरह डी ट्रैक किया जा रहा है, जिस तरह मुल्ला जो है उसकी जो आइडियालॉजी है वो, इस्लाम तो एक फितरी मज़हब है,
इस्लाम जबरी मज़हब नहीं है। अल्लाह ताला ने तो कुरान पाक में कहा है कि दीन में जबर नहीं है। जब दीन में जबर नहीं है तो फिर स्वात में जो कुछ हो रहा था, धक्के पीके में जो कुछ हुआ है, वो क्या था? क्या वो इस्लाम था? किसी इंसान की जान लेने के बारे में जो आइडियोलॉजी उनकी थी, क्या हमारी इस्लाम की आइडियोलॉजी ये है? जिस रशिया के ख़िलाफ़ जहाद किया गया है, आज उस रशिया से दोस्ती, आज वो पानियों की तरफ जो है ना, उन्हें राहदारियाँ दी जा रही हैं, आज उनके सब कुछ किया यार, उसमें उस दौर में आपने क्या किया? उनसे तेल के मुआहदे हो रहे हैं। तो जो एक फिल्म मेकर है, उस फिल्म मेकर को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल जो मसाइल हैं, उनको भी अपने उसमें फोकस करना चाहिए। देखें, रिहाज शाह साहब और खलील कैसर साहब, ये मैं फिल्म डेडिकेट भी उन्हें की थी, उन्हीं के फुटस्टेप पे ये फिल्म बनाई थी मैंने। शहीद उन्होंने बनाई, खलील साहब ने और रिहाज साहब ने लिखी, आज भी वो मसला उसी तरह ही है। ठीक है, ज़रका फ़लस्तीन का मसला आज भी उसी तरह है, अमन कश्मीर का मसला आज भी उसी तरह है, सोशल रियलिज्म पे उन्होंने जितना काम किया है, वो मसाइल आज भी अपनी जगह है ना, मुंह खोले खड़े हुए हैं। तो फिल्म मेकर तो वो उन्हें टच करता है, वो पिंच होता है। अगर आप पिन नहीं चुभोएंगे, सोशल रियलिज्म पे आप फिल्म नहीं बनाएंगे, तो आपने कुछ नहीं किया। एक डायरेक्टर का एक सोसाइटल रोल होता है जो उसे अदा करना चाहिए, जो उस चाहे उसकी फिर कोई भी कीमत हो, फिर जो ठान लेते हैं ना, वो फिर डरते नहीं हैं, कश्तियाँ जला के आते हैं। तो मैं सलूट में डरा नहीं था, मुझे गोली भी लग सकती थी, मुझे मारा भी जा सकता था, तो मैं उसमें अपने क्रू को भी जो है ना बड़ा क्रेडिट देता हूँ। ज़मीनों पे हम सोए हैं, सारा मेरा क्रू समेत मेरे जो है ना, हम ज़मीन पे लेटे हुए हैं। और सलाम है उन औरतों को भी जो है ना, वो जो हंगू की इब्राहिम जई के उनके कबीले की, इनकी फैमिली की औरतें जो है ना, उसके गांव में, उसके घर में तो हम शूट कर रहे थे, उसी जगह पे उसी स्कूल में शूट की। 30-40 बंदों का सुबह 4 बजे उठ के नाश्ता बनाना, हमें उन्होंने कोकम लेके गए थे, उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन मेहमान नवाजी है उस इलाके की, उस खत्ते की जो है ना। तो उन्होंने हमारे साथ बड़ा तामन किया। फिर हम रास्ते जिससे गुजरते थे, एक तरफ जो है ना इलाका गैर था, और दूसरी तरफ अपना जो है ना जहाँ लॉ एंड रूल चलता था, तो हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। तो उसमें मैं समझता हूँ कि अकेले मेरे ही कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे स्टाफ के तमाम, मेरे टेक्नीशियंस, मेरे कैमरामैन, मेरे सब, मेरे जो स्पॉट बॉय हैं, सबकी जान खतरे में थी। तो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हमारा जो है ना, वो एक नैरेटिव रहा है, उस नैरेटिव के ऊपर वो फिल्म थी। हम टेररिस्ट कहाँ हैं, हम तो विक्टिम हैं, हमारे तो बच्चों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे कीमत अभी तक हमारे फौजी जवानों ने दी है, हमारे सिविलियन ने दी है, सबसे ज्यादा तो विक्टिम हम हैं। इतिजाज कहते हैं मैं आर्मी में जाऊंगा। इसके जज्बा वैसे है सच्चा, मगर यह है बहुत मोटा। बाबा ये एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करता और हर वक्त खाते रहता। नजर लगे जमा बच्चे था। नजर ना दबादी खुरीस, क्या खिलाती क्या उसे, बस तुम्हारा कमाया हुआ रिस्क हिलाल खिलाती। मैंने बहुत नाज उठाया है तुम्हारे इस एहतिजाज का। Yeah.
बचाओ, मुझे बचाओ। बाबा की याद आ रही है। बाबा की याद आ रही है। आपको नहीं आ रही? बहुत याद आता है तुम्हारा बाबा, मुझे भी बहुत याद आता है। बाबा कब आएंगे? आ जाएगा बाबा, तुम सोचो। बेटे का पैदा होने का इतला भी तुमको मैंने दिया था ना यार। और क्या? और अंगू में स्कूल के सामने बहुत बड़ा धमाका हुआ है। फिर बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जमा थे स्कूल के, वहाँ पे धमाका हुआ, उन सब का जाने बचाते हुए तुम्हारा बेटा इतलाज ने अपना जान दे दिया। हिसाब में तो तू बिल्कुल निल है, 0/0। और देखना, अगर तू खेल कूद कर वक्त जाया करेगा तो क्या बनेगा? बाबा एक दिन मैं 100 में से 100 नंबर लूंगा और आपका सरफखर से बुलंद कर दूंगा इंशाल्लाह। टेलीविजन से पता चला है कल सुबह 9 बजे तुम्हारा बेटे का जनाजा है। यार मैंने सारी फ्लाइटें तो चेक कर लिया, कहीं से टिकट तो मिल नहीं रहा है यार। मुझे लगता है तुम्हारा पहुंचना बहुत मुश्किल है यार, क्या करें अब? शराब भी ये इश्क खुदा वाले इंसिडेंट पे आते हैं, आपका इस सलूट के साथ भी ये हुआ इंडियन फिल्मों की वजह से। इस वक्त जो इंडस्ट्री के हालात हैं वो आपके सामने हैं, पिछले जो 2-3 साल गुजरे हैं वो बतदरीज अब इस नहज पे पहुंच चुकी है इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री ख़ास तौर पे, कि सिनेमा चलाना सिनेमा ऑनर के लिए एक बड़ा मसला बन गया है। हॉलीवुड की फिल्में पहले एक आसरा होती थी, पिछले साल 2023 में हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में भी यहाँ डिज़ास्टर हुई हैं, उसकी वजह माशी हालात या कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन एक बड़ा मुतालबा जो है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है कि जी इंडियन फिल्में आखिरी सहारा हैं और आखिरी रास्ता है सिनेमा इंडस्ट्री को बचाने का, क्योंकि सिनेमा होंगे तो फिर आपकी अपनी इंडस्ट्री भी होगी, वरना आप फिल्में बनाएंगे लगेंगी कहाँ। तो मौजूदा हालात में आप क्या समझते हैं कि इंडियन फिल्मों को सिनेमाओं पर लगना चाहिए, और अगर लगना चाहिए तो
किन शराइत पे? देखें, मैं इंडियन फिल्म के कभी भी खिलाफ नहीं रहा। मेरा शुरू दिन से एक मौक़िफ़ है कि ये बंद ना करें, ठीक है, ये चलनी चाहिए। जबकि सबसे ज़्यादा लॉस मुझे हुआ, मुझे इश्कुदा और मुझे मोहब्बता सच्चिया में भी आना शुरू हो गई थी फिल्में, ठीक है। तकलीफ़ इंडियन फिल्म के आने से नहीं है, तकलीफ़ जो है वो एग्जिबिटर्स के रवैये की है। वो जो पाकिस्तानी फिल्म, इंडियन फिल्म के आने से जो पाकिस्तानी फिल्म के साथ सलूक होता है ना, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। ये हमारा एग्जिबिटर जो है वो नहीं सोचता। ये कॉरपोरेट सेक्टर में जब से ये सिनेमा आया, ये न्यू वेव सिनेमा आया, मुझे समझ नहीं आती कि अब अगर आप देखें माजी में जाएं, वो खुदा की कसम वो पहले सिनेमा वाले एग्जिबिटर इनसे ज़्यादा अकलमंद थे। फिल्में बनना बंद हो गई, खुद एडवांस देते थे, खुद चीज़ें करते थे, फिल्में शुरू करवाते थे, फिल्में बन रही हैं, चल रही हैं, सिनेमा वाला अपना रोल अदा कर रहा है, प्रोड्यूसर अपना रोल अदा कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर अपना रोल अदा कर रहा है, स्टूडियो वाले अपना रोल अदा कर रहे हैं। मैं घर से 2.5 लाख रुपया लेके चला, मेरे पार्टनर ने 2.5 लाख रुपया डाला, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से पैसे ले लिए, नेगेटिव मुझे उधार मिल गया, स्टूडियो मुझे उधार मिल गया, बुकिंग आनी शुरू हो गई, रिलीज़ के ऊपर हमें जो है ना 5-5, 6-6 लाख रुपया और डालना पड़ा। तो इस सेटअप के अंदर ये इतना मजबूत सोशल सेटअप था जो आज के दौर से बेहतर था। आज तो आपने फिल्म शुरू करनी है, अगर आपकी 5 करोड़ का बजट है तो 5 करोड़ रुपये आपकी जेब में है तो आप फिल्म बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। पहले क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूटर भी आपको एडवांस देता था, आज भी देता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर एडवांस उस तरह नहीं है। सिनेमा आपको एडवांसेस देता था, ठीक है, स्टूडियो आपके पास उधार होता था, वो बेचारे 2 साल फिल्म बन रही है तो 2 साल जो है ना वो आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं और एंड पे जाके उन्होंने जो है ना अपने पैसे लेने हैं। स्टूडियो का एक रोल था, नेगेटिव फ्यूजी या कोडेक या एक्फा ये उधार नेगेटिव देते थे, तो टेक्नीशियन भी फिल्में बनाते थे। तो अब का जो सेटअप जो है, इस सेटअप के अंदर जो है ना सर्वाइवल मुश्किल हो गया। इंडियन फिल्म आएगी तो सिनेमा चलेगा, अगर इंडियन फिल्म ना आई, ये मैं बड़े दिल पे भारी दिल से जो है ना बात कर रहा हूँ, जो सिनेमा है ये भी बंद हो जाएगी बिल्कुल। और ये एक दफ़ा जो सिनेमा बंद होगा ना, वो सिनेमा नहीं चलेगा। मुझे अल्लाह ताला ने हर डिपार्टमेंट में जो है ना वो मौका दिया, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, मैंने प्रोडक्शन भी की, मैंने डायरेक्शन भी की, तो मैंने एग्जीबिटर भी जो है ना अल्लाह ने बनाया बिल्कुल। तो मैं हर फील्ड से गुजर चुका हूँ, हर फील्ड का दर्द जो है ना वो उसका मुझे पता है। ईद फेस्टिवल्स मेरा तो एक मौक़िफ़ है जिस पर मैं डे वन से खड़ा हूँ। ईद फेस्टिवल जो है वो फॉरेन फिल्म के लिए नहीं होना चाहिए। हम साल के 364 दिन जो है ना बर्दाश्त करते हैं कि आप फॉरेन कंटेंट लगाएं, कोई हमें इशू नहीं। ईद के 2 फेस्टिवल तो यार लोकल फिल्म को दे दें। फिर टैक्स फ्री जो है ना हमने करवाया, वो हमारी एफर्ट है अपनी पाकिस्तानी फिल्म के लिए। बेनिफिशरी इंडियन फिल्म, मेरी 2 फिल्में चली हैं वहाँ, पाकिस्तान की 6 फिल्में वहाँ पर चली हैं, 5 चली हैं, हमने टैक्स पे किया वहाँ पर। हम वहाँ भी नहीं बोलते कि नहीं यार सिनेमा ना मरे, सिनेमा चले, सिनेमा चले, सिनेमा चले। 3 प्रोड्यूसर्स ने केस किया हुआ है, सिनेमा वाले उन्हें लिफ्ट नहीं करवाते, उनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो 3 फिल्में बनाना चाहते हैं, 3 आपने मेजर प्रोड्यूसर्स जो है ना, मेजर डायरेक्टर्स को रोक दिया फिल्म बनाने से, ठीक है। फिर दूसरी साइड पे आप आ जाए, 60% पंजाब है, पंजाब के प्रोड्यूसर फिल्में बनाना चाहते हैं, वो यहाँ के डायरेक्टर भी लेना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ के एक्टर। अब ट्रेंड है तो ठीक है, हमने तो कभी महसूस ही नहीं किया था कि जो है ना वो नदीम साहब कराची के हैं, वहीद मुराद साहब कराची के हैं, मोहम्मद अली साहब हैदराबाद के हैं, ये कभी ख्याल ही नहीं आया था, कोई सोचा ही नहीं था कभी किसी ने इस बारे में।
एक वार्म वेलकम होता था। कराची कोई यूनिट शूटिंग करने के लिए आता था तो एक खुशियाँ जो है ना वो चढ़ी होती थी सबको, यूनिट को भी कराची शूट करने जा रहे हैं आप, ठीक है, वो इतना एक मज़े का एनवायरनमेंट होता था। तो अब उसे मैं समझता हूँ कि ये शहरों का नाम भी नहीं लेना चाहिए, ये ग्रोहों ने काम खराब कर दिया है, लॉबीज़ ने काम खराब कर दिया है। अब पंजाब की किसी प्रोड्यूसर की फिल्म में यहाँ का आर्टिस्ट काम नहीं करना चाहता, अब ना करें, आप उसे इज्जत दें, आप उसकी बात तो सुन लें। अब स्क्रिप्ट सुन के अब रिजेक्ट कर दें, नहीं आपको पसंद आया, आपको डायरेक्टर अच्छा नहीं लगा तो आप तरीके से बात कर लें, ठीक है। ये कोई इसराइल से तो नहीं आया नबील कुरैशी या यासर नवाज या नदीम बेग, ठीक है, इनको ले लेंगे वो डायरेक्टर, यार उन्होंने कारोबार करना है, वो ज़्यादा बेहतर मेकर हैं, उन्हें ज़्यादा फिल्म का पता है। हसन अस्करी साहब यार उन जैसा डायरेक्टर जो है ना पैदा नहीं हो सकता, वो तो रब अल्लाह की ज़ात, तो जिसे मर्जी जो है ना वो जितने मर्जी हसन अस्करी साहब बना दें, लेकिन जो हमारे पास जो मौजूद बिल्कुल थे हसन अस्करी साहब बेचारे नहीं आया ना उन्हें इस दुनिया से चले गए, मुझसे तो अपना दुख वो जो है ना वो शेयर करते गए। यार जिस डायरेक्टर के एक्टर आशिक होते थे, अलमिया इस बात का है कि दुनिया में कहीं ऐसे मूवीज नहीं होते जो पाकिस्तान में होते हैं, यहाँ का टीवी का एक्टर जो है ना वो फिल्म का एक्टर बन गया है, पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। आपने मौजे कहते हैं, मैं ऐसे अलमिया कहता हूँ, बस इसे जो भी नाम ले लें, देखें ना इनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, पैसा बहुत कमा रहे हैं। तो यार जिन लोगों के साथ हमने काम किया वो तो मजदूर थे, वो खुदा की कसम वो हीरोइन मजदूर हीरोइन थी, किन किन हालात में उन्होंने काम किया है, ना कोई वैनिटी होती थी ना कोई चीज़ें होती थी, वॉशरूम के प्रॉब्लम, दीगर प्रॉब्लम, कपड़े चेंज करने के प्रॉब्लम। चला दे हम दूसरे ट्रैक चेंज करते हैं, ज़रा आपके एक अदबी हवाले की तरफ आते हैं। गुलजार साहब से आपकी बड़ी एक अकीदतमंदी वाला एक ताल्लुक और रिश्ता है, तो गुलजार साहब से मुतासिर तो हम सभी हैं, लेकिन आपकी मुलाकातें और उनसे ये सिलसिला कैसे जुड़ा? दूरदर्शन पे फिल्में चला करती थी, हमारे स्कूल दौर का टाइम था, एक फिल्म अचानक जो है ना वो आई विनोद खन्ना की, वो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी, वो दो तीन दफ़ा जो है ना चली, वो इत्तफाक से मैंने दो तीन दफ़ा देखी, वो फिल्म देख के मैंने फिर ढूँढना शुरू किया गुलजार साहब कौन है, वो फिर उन्हें ढूंढते ढूंढते उनकी फिल्में ढूंढते ढूंढते देखते देखते जो है ना VCR का ज़माना था, तो उनके काम से जो है ना एक अकीदत हुई। तो हमारी पहली मुलाकात जो है, मैंने फिल्म डेडिकेट की घूंघट गुलजार साहब को, हमारी पहली मुलाकात ताशकंद फिल्म फेस्टिवल में हुई, मेरी फिल्म ऑफिशियली घूंघट वहाँ गई थी। ये तो, आपने फिल्म डेडिकेट पहले की मुलाकात के बाद में तो गुलजार साहब माचिस लेके आए हुए थे। अब ये देखिए कि टेंशन उस वक्त भी बहुत थी दोनों मुल्कों में, बट सिनेमा स्क्रीन जो है ना वो कितना इकट्ठा कर देती है। हमने इंडियन डेलीगेशन को जो है ना रिक्वेस्ट की कि जी आपको हमारी फिल्म देखने आए, उनके लिए सरप्राइज था। फिल्म जब शुरू हुई तो गुलजार साहब का टाइटल आया तो इंडियंस के लिए सरप्राइज था वो, फिर गुलजार साहब ने जो तकरीर की सिनेमा के इम्पोर्टेंस पे और ये जो डेडिकेशन थी और जो मुल्कों की टेंशन थी उस पर, सिनेमा एक दूसरे को, पहले उससे फिल्म देखने से पहले इंडियन डेलीगेशन जो है ना कुछ 10 टेबल हमसे अलग बैठता था, हम उधर बैठते थे, उसके बाद फिर हम एक टेबल पे आ गए। ये पावर ऑफ सिनेमा है बिल्कुल। तो वो गुलजार साहब से इसी तरह जो है ना अचानक देख के जो है ना हुआ उनसे, फिर ताशकंद में मुलाकात हुई, फिर उनसे जो है ना ये सिलसिला जो है ना उनकी शफकत और हमारी अकीदत आज तक चल रही है। तो रुखसती में उनकी ज़मीन इस्तेमाल की थी, चांद आसमान पे अगर ना होता हम किसे ज़मीन कहते, आपके पांव ज़मीन पर न पड़ते तो हम किसे ज़मीन कहते, वो उनकी ज़मीन उसकी
इस गज़ल की तज़मीन में जो है ना मैंने लिखवाया था अपनी लूबी साहब से। शरद भाई, ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ आपका आना जो था वो मजबूरी थी, किचन की गर्ज से था, या आपका शौक भी था कि ड्रामा? नहीं, मेरा शौक था, मैं टीवी प्रोड्यूसर बनना चाहता था। मैंने लॉ करने के बाद दो मास्टर किए टीवी प्रोड्यूसर बनने के लिए। शहजाद खलील साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें, वो मेरे फेवरेट डायरेक्टर थे, वो टीवी के नजरुल इस्लाम थे। इकबाल अंसारी साहब मेरे फेवरेट हैं, सारा काजमी मेरी फेवरेट है, शुएब मंसूर साहब जो है मेरे फेवरेट हैं, अयूब खावर साहब मेरे फेवरेट हैं। तो टीवी के साथ तो मेरा एक अपना वो था, एक ट्रेंड था शुरू से, तो मैंने तो टीवी शौक से किया। फिर कोविड आ गया, फिर मैं चला गया वापस, तो दो तीन साल का गैप बीच में आ गया जिससे कंटिन्यू नहीं कर सका, वरना तो टीवी तो वो मेरा पैशन है। तो कितने सीरियल चला भी कर चुके? मैंने तीन सीरियल किए, तीन दारे किए। आपने एक फिल्म अनाउंस की है हाल ही में, हीर रांझा, तो एक तो सवाले से बताएं, और जब से आपने फिल्म अनाउंस की है तो मार्केट में एक सवाल बड़ा गर्दिश कर रहा है कि जी इस दौर में शहजाद भाई को हीर कहाँ से मिलेगी, रांझा कौन होगा, कैदों को लोग कैसे प्रमोश कर पाएंगे। हालांकि इन सवालों के जवाब द लीजेंड ऑफ मौला जट ने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि कोई हरफ आखिर नहीं होता, लेकिन फिर भी देखिए क्लासिक जो होती है ना वो क्लासिक हर दौर में बननी चाहिए। हर दौर में आर्टिस्ट होते हैं, हर दौर में आपको चीज़ें मिलती हैं, बाझ नहीं होती इंडस्ट्री कभी भी। ठीक है, आज भी आर्टिस्ट हैं, आज भी हीर भी एक नहीं कई हीरे हैं और रांझे भी कई हैं, लेकिन बात वही जो मसाइल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ग्रोही एक पॉलिटिक्स है, जो एक क्या उसे मैं नाम दूँ, तो मुझे तो अगर हीर और राजा ये नए लोगों का सब्जेक्ट नहीं है, अगर नए लोगों का होता तो मैंने अब तक जो है ना नए लोग लेके जो है ना ये बना देनी थी फिल्म। ये एक ब्रांड है, क्लासिक है, इसमें जो है ना वो एक मंझे हुए आर्टिस्ट जो है वो उनकी ज़रूरत है। तो अगर मिल गए ठीक है, अगर नहीं मिले तो मैं ये प्रोजेक्ट बंद कर दूँगा, मैं उसे ख़राब नहीं करना चाहता। आखिरी सवाल शहजाद भाई, फिल्म इंडस्ट्री का मुस्तकबिल आपको क्या लग रहा है? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अभी तो 2023 जिस तरह हमने गुजारा है कि कोई फिल्म एक हफ्ते से ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे नहीं टिक सकी, उसकी वजह मेयार भी हो सकता है, सिनेमा ऑनर्स की बदमाशियाँ भी कह सकते हैं उसे, लेकिन 2024 में हमें मुकम्मल अंधेरा नज़र आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि ये इस रोशनी से कहीं हम इस अंधेरे से रोशनी की उम्मीद रख सकते हैं? जी मैं बिल्कुल इससे उम्मीद हूँ, ना उम्मीद नहीं, लेकिन दो चीज़ें हैं। जब तक नदीम बेग, नबील कुरैशी, बिलाल लिशारी, यासर नवाज और चंद और अच्छे डायरेक्टर सरमद सुल्तान ये खुद ब्रांड नहीं बनेंगे, इनको अपने बाजुओं पे जो है ना खुद पे मान नहीं होगा, तब तक ये इंडस्ट्री नहीं चलेगी। अगर ये इन्हीं आर्टिस्टों के हाथों ब्लैकमेल होते रहे, इन्हें ही इनके मुंह मांगे दाम देते रहे, इनके नखरे सहते रहे, तो ये इंडस्ट्री नहीं चलेगी। हमने ब्रांड बनाया था ना, सैयद नूर हमारा ब्रांड था, उसे किसी आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं थी, सैयद नूर का नाम आता था। जान मोहम्मद साहब ब्रांड थे, जान मोहम्मद साहब को किसी एक्टर की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, होते हैं कुछ प्रोजेक्ट जहाँ पे ज़रूरत होती है, जिस तरह मैंने हीर रांझे का कहा, ऐसा नहीं है कि जो है ना आर्टिस्टों की अहमियत को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन भाई इन लोगों को सोचना चाहिए, जब तक इन्हें आप ब्रांड नहीं बनाएंगे ना तो ये इंडस्ट्री नहीं चल सकती। और इनको अपने हॉल से बाहर आना पड़ेगा, हुमायूं सईद को अपने हॉल से बाहर आना पड़ेगा, फवाद खान को अपने हॉल से बाहर आना पड़ेगा, फवाद मुस्तफ़ा को अपने हॉल से बाहर आना पड़ेगा। इन्हें दो दो साल में एक फिल्म नहीं, इन्हें साल में तीन तीन फिल्में जो है ना वो बनानी चाहिए, और लोग इनसे बनवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक ऐसी दीवार सी खींच दी है कि आपने 60% जो सरमाया लगाने वाले लोग हैं
बल्कि 80% सरमाया लगाने वाले लोग हैं उन्हें तो आपने ब्लॉक कर दिया, इन आर्टिस्टों ने। तो जब तक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ब्रांड नहीं बनेगा तब तक ये इंडस्ट्री नहीं चलेगी। ये इसकी ये ज़रूरी है कि ये लोग ब्रांड बने। देखने वाला सिनेगोर जो है ना उसे ये होगा मैं अपना नबील कुरैशी की फ़िल्म देखने जा रहा हूँ, मैं यासिन नवाज़ की फ़िल्म देखने जा रहा हूँ, मैं नदीम बेग की फ़िल्म देखने जा रहा हूँ, मैं बिलाल निशारी की, बिलाल निशारी ब्रांड बन गया ना, बिलाल निशारी नए लोगों को लेके फ़िल्म बना ले, लोग उसकी फ़िल्म देखने आएंगे। बिल्कुल। तो जब तक ये परवेज मलिक साहब ब्रांड थे हमारे पास, नज़रुल इस्लाम साहब ब्रांड थे, हसन असकरी साहब ब्रांड थे, हैदर चौधरी साहब ब्रांड थे, तो ये डायरेक्टर जब तक जो है ना, डायरेक्टर हमने अच्छे जो है ना हमारे पास आ गए हैं, खेप बहुत अच्छी आ गई है और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इन्होंने साबित किया है, तो हम तो नहीं होंगे, हमने तो जितना काम करना था कर लिया है, हमने जो नाम कमाना था कमा लिया है। हमारी ख्वाहिश तो ये है कि पाकिस्तानी सिनेमा चलता रहे, पाकिस्तानी फिल्म बनती रहे, नए लोग आए, नए डायरेक्टर्स आए, नए आर्टिस्ट आए, ये सिलसिला चलता रहे, ये खेल ख़त्म ना हो। बेशक, शुक्रिया सर, थैंक यू।